हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी सोयाबीन की एक रेसिपी। बड़ी ही टेस्टी रेसिपी है जिसे मैं बनाऊंगी बिना प्याज के, बिना लहसुन के, और ये एक हाई प्रोटीन रेसिपी है जिसे आप रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम उबलते हुए पानी में हमें जितनी ज़रूरी है उतनी हम सोया चंक्स इसमें डाल देंगे। डाल के 5 से 10 मिनट तक हम वेट करेंगे जब तक कि ये पूरा पानी सोक करके सॉफ्ट हो जाए। 5 से 10 मिनट हो गए हैं और ये सोयाबीन अच्छे से फूल गई है। मैंने गर्म पानी को ड्रेन आउट कर लिया है और इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। जो इसमें देख रहे होंगे सफ़ेद झाग जैसा आ रहा है, हमें इसे नहीं देना है, इसलिए इसको अच्छे से वॉश करके हम लोग इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से निचोड़ के हम लोग सोयाबीन को अलग कर लेंगे। सोयाबीन को मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है, पूरा वॉश आउट कर लिया है और ये बिल्कुल एकदम सही से पूरी रेडी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करने के लिए चढ़ा देंगे और उसमें यूज़ करेंगे ये मस्टर्ड ऑयल। ये 1 चम्मच जितना मैंने मस्टर्ड ऑयल इसमें डाला है। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे ये आलू। इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 2 आलू हैं, मीडियम साइज़ के आलू। छोटा छोटा काट के मैं अभी इसे फ्राई कर लूँगी। फ्राई करते टाइम हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाए और इसे हम करेंगे मीडियम फ्लेम में हम फ्राई कर लें। आलू जब हल्के से ब्राउन होने लग जाएं तब हम आलूओं को निकाल लें। आलू उसी तेल में डाल लेंगे हमारी ये 1 छोटे चम्मच जितना जीरा, चुटकी भर हींग, डालेंगे ये टोमेटो प्यूरी। मैंने 1 बड़े टमाटर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। अब हम डाल देंगे इसमें 2 हरी मिर्ची, इसे मैंने हल्का स्लिट कर लिया है। आप मिर्ची अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर। नमक, 1 छोटे चम्मच जितना हल्दी पाउडर। अब इस पूरे मसाले को हम लो से मीडियम फ्लेम तक करके अच्छे से पका लें। मसाला हल्का भुन गया है, अब हम डाल देंगे इसमें मटर। हमारी फ्राई करके रखी हुई आलू डाल देंगे हम ये सोयाबीन जिसे हमने अच्छे से सोक करके साफ करके रखी थी। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें ग्रेवी के लिए गरम पानी। ठंडा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, गरम पानी ही जब जब आपको लगेगा आप गरम पानी ही डालें इसमें, तो इससे टेस्ट जो होता है ठीक रहता है। ठंडा पानी अगर आप डाल देंगे इससे टेस्ट जो है भी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। मैंने इसमें और 1/2 कप जितना पानी डाला है और आप पानी को अपनी ग्रेवी के अनुसार ही एडजस्ट कीजिए, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए। अब हम इसे पकने के लिए लिड लगा के रख देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे हम धीमी आँच में पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अब हम लिड को खोल देंगे। पहले हम चेक कर लेंगे जो हमारी आलू थी वो गल गई है कि नहीं। आलू गल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2-3 जो आलू के जो टुकड़े हैं ना उसे अच्छे से मैश कर देंगे। इससे क्या होगी, हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और टेस्ट भी इन्हांस हो जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर और अच्छे से पूरी ग्रेवी को मिला लेंगे। अब हम डाल देंगे इसके ऊपर से कटा हुआ फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया। डाल के हम बस 1 से 2 मिनट ही इसे पका। मैंने बंद कर दिया है और इसको लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच जितना घी। रेडी है गर्मा गर्म सोयाबीन की रेसिपी, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये एक हाई प्रोटीन रेसिपी है और मैंने इसे बनाया है ना ही प्याज से, ना ही लहसुन और ना ही ज़्यादा मसालों से। बहुत ही मिनिमल चीज़ों से ये रेसिपी मैंने तैयार की है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही क्विक रेसिपी है। खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए और साथ ही आपके पास इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, ये सब के साथ बहुत टेस्टी लगेगी। तो मैं फिर से मिलूंगी आपके पास इसी तरह की एक रेसिपी को लेकर। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।